रोजवेली चिटफंड घोटाले में टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय की गिरफ्तारी पर तृणमूल कांग्रेस पूरी तरह से भड़क गई है। इसका असर यह है कि कोलकाता में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष शिकार पर हमला किया गया, जबकि प्रदेश भाजपा मुख्यालय पर भी पथराव किया गया। लड़ाई दिल्ली तक पहुंच गई। पार्टी सांसद आज दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे तो ममता बनर्जी कोलकाता में मार्च करेगी। भाजपा दफ्तर में हुए हमले में कई लोग घायल होने की खबर आ रही है। सीआरपीएफ को भाजपा कार्यालय पर तैनात किया गया। तृणमूल कांग्रेस सांसद सुदीप बंदोपाध्याय को सीबीआई ने रोजवेली चिटफंड स्कीम मामले में गिरफ्तार कर लिया। उन्हें आज सीबीआई ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर कोर्ट में पेश करेगी। पार्टी चीफ और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हम सभी को गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन नोटबंदी के खिलाफ हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। ममता ने मोदी को एक बार फिर चुनौती दी कि वो उन्हें गिरफ्तार करके दिखाएं।